गाइस, दिस इज प्रतीक। स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रतीक श्रीवास्तव फिटनेस में। तो आज की इस वीडियो में हम ऐसी 5 गलतियों के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आप रेगुलर अपने जिम में, अपने वर्कआउट में करते हैं। तो गाइस, पहली जो गलती है, जो पहला मिथ है हमारी फिटनेस इंडस्ट्री में, वो ये है कि जब भी आप जिम जाते हो, आप अपने ट्रेनर से अपनी डाइट पूछते हो, वो आपको बोलता है कि आपको एग्स खाने हैं। बट आपको वो ये चीज़ जरूर बोलता होगा कि आपको केवल एग वाइट्स खाने हैं और जो येल्लो वाला पार्ट है उसे आप फेंक दें या उसे हटा दें। तो गाइस, कभी आपने उससे ये क्वेश्चन किया है कि वो ऐसा क्यों बोलता है? मैं आज आपको बताता हूँ कि ये क्यों बोला जाता है और क्यों ये गलत है। तो होता क्या है कि जो वो येलो वाला पार्ट होता है ना, उसके अंदर होता है कोलेस्ट्रॉल। तो इसलिए वो लोग कहते हैं कि आप उसको हटा दें और केवल आप एग वाइट्स खाएं। इससे हमारा पहला नुकसान तो यह है कि हमें जो प्रोटीन पूरा मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाता। अब बात करते हैं कि कोलेस्ट्रॉल हमें क्यों लेना है। अगर आप एक फिटनेस लाइफस्टाइल को जी रहे हैं, अगर आप सुबह से शाम तक अच्छा अच्छा खाते हैं, आप बाहर की चीज़ें नहीं खा रहे हैं, तो आपकी बॉडी को कहीं ना कहीं कोलेस्ट्रॉल चाहिए। आपकी बॉडी को ऐसा नहीं है कि केवल प्रोटीन चाहिए, कैलरीज आप काउंट कर रहे हो, आप अच्छा अच्छा ले रहे हो। आपकी बॉडी को फैट भी चाहिए, आपकी बॉडी को कोलेस्ट्रॉल भी चाहिए, बट थोड़ा थोड़ा हर चीज़ हमें चाहिए। तो गाइज, अगर आप 5 अंडे खाते हैं, 5 एग्स आप खाते हैं, उसमें से आप 3 का येलो वाला निकाल दें और 2 का आप बिल्कुल ले सकते हो। तो दूसरी जो यहाँ पे मिथ है, दूसरी जो गलती आप लोग करते हो, वो ये है कि मैंने बहुत से लोगों को जिम में देखा है कि वो जिम में एंटर करते ही ट्रेडमिल पे रनिंग स्टार्ट कर देते हैं और वो 15-20 मिनट, कुछ कुछ तो देखे मैंने 30-40 मिनट तक वो रनिंग करते रहते हैं, और जब वर्कआउट करने का टाइम आता है तो उनके अंदर उतनी एनर्जी नहीं बचती और वो 10 मिनट का वर्कआउट करके चले जाते हैं और उन्हें लगता है कि उनका ऐसे फैट लॉस हो जाएगा। मोस्टली रनिंग ये लोग वही लोग करते हैं जिनको फैट लॉस करना होता है। ये भी गलती है भाई, एक बहुत बड़ी, कि रनिंग करने से वो सोचते हैं कि उनका फैट लॉस हो जाएगा, बल्कि रनिंग करने से हम अपना कार्डियो का पार्ट जो है वो हम कवर कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि इसको फैट कम करना है वही रनिंग करेगा। अगर मेरे को गेनिंग करनी है तो मैं भी रनिंग करूंगा, क्योंकि रनिंग करने से मेरी कैलोरीज बर्न हो रही हैं, मेरी बॉडी गर्म हो रही है। तो गाइज, ये गलती आप बिल्कुल भी ना करें कि आप जिम में जाते ही ट्रेडमिल पर चढ़ जाएं और भागना स्टार्ट कर दें। अब हम बात करते हैं अपनी तीसरी गलती की, जो कि है मास्टरबेशन। गाइज, ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि लोग कहते हैं कि यार मैंने मास्टरबेशन कर ली तो अब मेरे से वर्कआउट नहीं होगा, मेरी बॉडी मुझे कमज़ोर लगने लगी, मेरा मसल मास ख़त्म हो गया। गाइज, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मेरे से मतलब मेरे जो दोस्त हैं वो लोग भी मुझे यही बोलते हैं कि यार जब मैं मास्टरबेशन कर लेता हूँ ना, मैं अपने हाथों को देखता हूँ, मुझे पतले लगने लगते हैं, मेरी बॉडी मुझे लूज लगने लगती है। तो वो केवल एक माइंड का खेल है, कुछ नहीं होता। आपकी बॉडी में उस टाइम स्ट्रेंथ कम हो जाती है बस। और मास्टरबेशन आपका ऐसा है ना कि अगर आपका मन कर रहा है आप जब कर सकते हो, बट आपको उसको रेगुलर अपनी हैबिट में नहीं डालना। कुछ लोग होते हैं कि रोज कर रहे हैं, डेली कर रहे हैं, वो चीज़ गलत है। आपका जब मन कर रहा है आप करो, बट आप रेगुलर उस चीज़ को मत करो, क्योंकि रेगुलर आप कोई भी हैबिट को अगर एक्सेप्ट करते हो तो वो गलत है। तो गाइस, जो चौथा हमारा मिथ है, चौथी जो गलती है, वो ये है कि कुछ यूट्यूबर्स और मैंने बहुत से ट्रेनर्स को भी सुना है, वो लोग बोलते हैं कि रात को हमें कार्ब्स नहीं लेने। कुछ तो ऐसा भी बोलते हैं कि 8 बजे के बाद हमें कार्ब्स नहीं लेने। तो आप मुझे एक सिंपल सी चीज़ बताओ, आप सुबह चावल खाते हो 200 ग्राम, उसके अंदर आपको एग्जांपल आपको 100 कैलोरीज मिलती हैं, तो अगर रात को आप उसको 8 बजे के बाद खाते हो 200 ग्राम चावल, तो उसमें आपको कितनी कैलोरीज मिलेंगी? ऑब्वियसली उसके अंदर भी आपको 100 कैलोरीज ही मिलेंगी। बट बात यह है कि आपको सोने से एकदम पहले नहीं खाना, आप सोने से आधे घंटे पहले नहीं ले सकते। अगर आपका डिनर का टाइम 9 बजे के आसपास है और 11 बजे आप सोने जाते हैं तो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। उसमें हम ये नहीं कह सकते कि हमें रात को 8 बजे के बाद कार्ब्स नहीं लेने। तो ये हो गए हमारे चौथा मिथ था। अब हम पांचवे की बात करते हैं, जो कि बहुत लोग मतलब बहुत हवा बना रखा है लोगों ने, कि एक बार में हमारी बॉडी 30 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन कंज्यूम कर सकती है, उससे ऊपर अगर हम लेते हैं तो वो वेस्ट होता है। गाइज, ये बात सही है मैं मानता हूँ, बट ये लागू होती है केवल आपके वे प्रोटीन में। जो पाउडर आप लोग परचेस करते हो वे प्रोटीन का, वो आपको केवल 30 ग्राम ही डाइजेस्ट हो सकता है एक बार में। अगर आप नेचुरल फूड की बात करें, अगर आप फिश और चिकन ले रहे हैं, तो उसमें आप कितना भी प्रोटीन एक बार में अपनी बॉडी को दे सकते हो। तो ये केवल चीज़ लागू होती है वे प्रोटीन के ऊपर। तो अब लोगों को पता तो होता नहीं है, लोगों ने ये सुन लिया कि 30 ग्राम प्रोटीन ही बॉडी कंज्यूम करती है, उसके बाद वो लोग मतलब सोचते हैं कि अब हम एक बार में 30 ग्राम ही ले सकते हैं, तो ऐसा नहीं होता। तो गाइस, ये थी हमारी वीडियो और मेरे 5 ऐसे मिथ जो लोग गलतियां आप लोग करते हो। तो ध्यान रखना, अगली बार से जब भी आप जिम में जाते हो अपने ट्रेनर से क्वेश्चन रेज करो कि वो ऐसा क्यों कह रहा है। अगर वो येलो वाला पार्ट एग का हटाने के लिए कह रहा है तो वो ऐसा क्यों कह रहा है। मास्टरबेशन क्यों नहीं माननी चाहिए, क्यों हमें गिल्ट फील नहीं करना चाहिए। गाइस, ये सब चीज़ें छोड़ दो, सब दिमाग का खेल है। अपने दिमाग को कंट्रोल करो, आपकी बॉडी भी बनेगी, आपको स्ट्रेंथ भी मिलेगी। तो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके आपको कोई और क्वेश्चन है तो आप बिल्कुल हमसे पूछ सकते हैं। और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम फिर से बात करेंगे।
होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो चलते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम। ओके, बाय बाय, टाटा।